दोस्तों, रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मुझे एक क्वेरी भेजी थी जिसका सॉल्यूशन मैंने निकाल के दिया है। तो दोस्तों, क्वेरी क्या थी? यहाँ पर पहले कॉलम में अलग अलग डेट्स हैं। डेट स्टार्ट हो रही है जनवरी 23 और एंड हो रही है दिसंबर 23। तो यहाँ पर पूरे साल का डेटा दिया गया हुआ है प्रोडक्ट सेल का। यहाँ पर टोटल 6 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पर इन प्रोडक्ट की क्वांटिटी सोल्ड का डेटा है। अब क्वेरी क्या है? यहाँ पर दोस्तों, डेटा कुछ इस तरह के फॉर्मेट में है और इस तरह के फॉर्मेट को हमें कन्वर्ट करके डेटा को कुछ इस तरह के फॉर्मेट में लेके आना है, जहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए और मंथ यहाँ पर शो होने चाहिए और यहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड का पूरा डेटा आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है और अगर आप कुछ इस तरह के डेटा में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको ये ट्रिक मालूम नहीं है, तो दोस्तों ये काम आपको ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलने देगा। अगर आप इस काम को मैन्युअली करने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इस डेटा के ऊपर फिल्टर लगाना होगा, फिर यहाँ पर आप डेट को फिल्टर करते जाएंगे। फर्स्ट आप जनवरी मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप वन बाय वन प्रोडक्ट को फिल्टर करते जाएंगे। जैसे कि पहला प्रोडक्ट है चेयर, तो आप चेयर को फिल्टर कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी मंथ में चेयर की क्वांटिटी सोल्ड का डेटा है 68 और यहाँ पर आप देखेंगे तो भी हमें 68 ही मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ये काम मैन्युअली करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह के डेटा फॉर्मेट को आपको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पावर क्वेरी की एक एक्सेल ट्रिक का यूज़ करना होगा और यही ट्रिक हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त JK और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है तो सबसे पहला काम आपको इस डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस डेटा को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं ओके करूँगा। उससे पहले आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है, माई टेबल एज हेडर, मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो अब ये जो डेटा है पूरा टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम पावर क्वेरी को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में, यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल रेंज। तो यहाँ पर पूरा डेटा हमारा पावर क्वेरी के अंदर लोड हो जाएगा। अब दूसरा काम, हमें यहाँ पर जो अलग अलग मंथ है जो डिजिट में है उसे हमें टैक्स में अलग कॉलम में शो कराना होगा। तो उसके लिए मैं आपको दो ट्रिक दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको ये कॉलम को सिलेक्ट ही रखना है, ऐड कॉलम में जाना है, ऑप्शन है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फ्रॉम सिलेक्शन। यहाँ पर आपको टाइप करना है जनवरी, यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मंथ डिजिट में शो हो रहे थे वो यहाँ पर अब टैक्स में शो हो चुके हैं, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल और दिसंबर तक। तो ये थी पहली मेथड, इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब दूसरी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा यही काम करने की। तो आपको ये कॉलम सिलेक्ट ही रखना है, ऐड कॉलम में जाना है, यहाँ पर डेट ऑप्शन में जाना है, मंथ ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है नेम ऑफ मंथ। तो देखिए दोस्तों, नेम ऑफ मंथ यहाँ पर इस कॉलम से निकल के सेपरेटली हमें अलग कॉलम में शो हो चुके हैं, जनवरी से दिसंबर तक। अब हमें ये कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, रिमूव कर दूंगा। तो ये कॉलम निकल चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं इस कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा पाइवट कॉलम, यहाँ से मैं ऑप्शन चेंज करूँगा क्वांटिटी सोल्ड और यहाँ से मैं ओके करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर हमें अलग अलग 6 प्रोडक्ट मिल चुकी है और यहाँ पर मंथ हॉरिजॉन्टली शो हो चुके हैं, जनवरी से दिसंबर मंथ तक। अब दोस्तों, ये डेटा पावर क्वेरी में है, इसे हमें एक्सेल में लेके जाना है। तो दोस्तों, होम टैब में जाना है, ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्लोज एंड लोड और यहाँ से आप ऑप्शन सिलेक्ट करें क्लोज एंड लोड। तो देखिए दोस्तों, हमारे डेटा पावर क्वेरी से एक्सेल में लोड हो चुका है, जहाँ पर आप प्रोडक्ट को यहाँ पर वर्टिकली देख सकते हैं और मंथ को यहाँ पर हॉरिजॉन्टली देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमारा डेटा कहाँ था, कुछ इस तरह के शेप में, और हमने डेटा को कैसे कन्वर्ट कर लिया कुछ इस तरह के शेप में विद इन 10 to 15 क्लिक्स। और यहाँ पर आप नीचे टोटल कराना चाहते हैं इन सभी सेल्स वैल्यू को, तो पहले आप इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट करें, शॉर्टकट की प्रेस करें, ऑल्ट इज इक्वल टू। तो देखिए, यहाँ पर आपको टोटल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी फ्यूचर में कुछ इस तरह का डेटा
आ रहा है और आपको कुछ इस तरह के डेटा में उसे कन्वर्ट करना है तो आप इस पावर क्वेरी ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।